दोस्तों, भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं वैद विनोद कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने नई वीडियो लेकर आया हूँ। वो है गन्ना, शुगर कैन। इसका वनस्पतिक नाम है शक्रम आफिसिनेनम और ये भारत में बहुत आयात में पाया जाता है तथा दुनिया में इसका गन्ने का उत्पादन में हमारे भारत का दूसरा नंबर है। यह हमारे कई बीमारियों में काम आता है। इसमें पीलिया होने पर, लीवर से इन्फेक्शन होने पर हमें एक एक गिलास तीन टाइम पीने से हमें इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत ही शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इस शुगर में, शुगर नाम ही शुगर है तो इसमें काफ़ी मात्रा में शुगर होती है और इसमें विटामिन ए बी सी और मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्रोमियम तथा कोबाल्ट, मैग्नीज, पोटेशियम और जिंक आदि तथा फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है। ये हमारी कई बीमारियों में काम आता है। ब्राज़ील ये नंबर एक पर है। ये देखिए आप दोस्तों, ये पूरी की पूरी हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इसकी फसल लगाई जाती है। इससे गुड़ और सिरका, मीठा, शक्कर, चीनी इत्यादि इससे बनाई जाती है। ये हमारे यहाँ पर पौधा कम से कम आपके 12 से 15 फीट तक लंबा हो जाता है और एक गन्ने की जो मोटाई है वो कम से कम उसका वज़न 2 किलो से 2.5-3 किलो तक भी हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी उपज इसकी की जाती है। दोस्तों, ये भारत का दूसरा नंबर इसमें पैदा करने में है। हमारे जितने भी मीठे खाद्य पदार्थ हैं, मिठाइयाँ हैं, उनमें सब में इसका यूज़ किया जाता है तथा इसका सिरका भी बनाया जाता है और इसकी शराब भी बनाई जाती है। जो देसी शराब है उसमें इसका बहुत आयात में प्रयोग किया जाता है तथा इसका निकला हुआ पदार्थ जो खोई होती है उसको भी जलाने के रूप में काम आ जाता है तथा उससे भी कागज़ बनाया जाता है। दोस्तों, ये हमारे लिए इतना ज़्यादा वह उत्पादक है, इतनी ज़्यादा पैदा होती है कि किसानों को भी इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और जितनी भी जो खेती है वो सब खेती में इससे बहुत ही बड़ा लाभ होता है और किसानों के लिए तो एक तरीके से ये सोना उगलता है। दोस्तों, हम किसान, जो हमारे यहाँ के किसान हैं, इसका बहुत बड़ा उत्पादन करते हैं और पूरी दुनिया का हम 2 नंबर पर हम इस टाइम इसके उत्पादन में हैं। इसमें केवल शीत जितने भी इसकी जो वह है तासीर है, इसकी जो नेचर है वो कोल्ड है। कोल्ड नेचर होने की वजह से हमें इसको जो जितने भी शीत ऋतु के उस वो हैं बीमारियां हैं, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार आदि नमूनिया, उसमें केवल इसको निषेध किया गया है। उसमें ना पिएं और इसके सिरके का भी यूज़ करें और गर्मी में इसके रस का ज़रूर यूज करें। इसमें सारी चीज़ होने की वजह से ये ताकत देता है तथा ये हमारे जितनी भी बीमारियां हैं, गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं, लू से भी बचाता है और किसी तरह की भी बीमारी नहीं होने देता। इसलिए हमें बहुत ही, हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है। बहुत ही गुड़ खाकर पानी पीने से हमें, हमारे शरीर को पूरी एनर्जी मिल जाती है और हम इसमें शाम तक हमें भूख भी नहीं लगती है। इसलिए दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। पहले बड़े बूढ़े भी चना और गुड़ खाकर ही पूरे दिन काम कर लेते थे और इसमें एनर्जी से बहुत भरपूर है। जितना भी हम गुड़ खाएंगे हमारे शरीर को भी कोई नुकसान नहीं है। केवल इसके जितना भी उत्पाद है वो केवल जो शुगर के मरीज़ हैं उनको ही इससे बचना चाहिए और सभी को इसको बहुतायात में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइबर होने की वजह से ये जिसको शुगर नहीं है उसको शुगर होने नहीं देता है और पच भी अच्छी तरीके से जाता है। ये दोस्तों, ये हमारा पूरा जंगल का एरिया है और इसमें हमारे बहुत ही अच्छा दृश्य है और ये शुगर कैन पूरी दुनिया में शुगर कैन के नाम से जानते हैं और हम सबको बहुत ही लाभ देता है। दोस्तों, इस तरीके से हमें, अगर मेरी आपको चैनल आपको पसंद हो तो कृपया करके ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको वैदिक तरीके से तथा आयुर्वेदिक तरीके से मैं इनके पूरे गुणधर्म बताते हुए आपको आगे तक सारी बातें बताऊंगा। उसको सब्सक्राइब कर लें तथा शेयर भी कर दें और लोगों को भी मेरे बारे में